Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. बाइडेन एक बार फिर उलझन का शिकार हो गए। अमेरिकी सांसद जो बाइडेन की हर बात भूलने की आदत थम न सकी। जो बाइडेन स्टेज पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तारुफ कराना ही भूल गए। बाइडेन ने अपना भाषण पूरा किया और इसके बाद उन्हें शायद ये बात नहीं पता थी कि अगला मेहमान कौन होगा जो उनके बाद बोलेगा। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है, लेकिन उस ह्यूमिलिएशन के बावजूद हमने देखा कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो जब मिलने गए जो बाइडेन से, तो वहां पर एज यूजुअल उन्होंने उनको जफ्फी डाली और पब्लिकली तो सब अच्छा शो करने की कोशिश की। लेकिन जो बाइडेन का एक मोमेंट था इस मीटिंग में, जहां पे जो बाइडेन ने गलती से माइक में बोल दिया और मीडिया ने पकड़ लिया कि चाइना इज टेस्टिंग अस। चाइना में जो मौलवी हजरात हैं, जो मौलाना हजरात हैं, उन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है सजा के तौर पे, और रीजन ये बताई जा रही है कि आप अपने बच्चों को इस्लाम की मजहब की टीचिंग देते हैं, इस वजह से आपको ये डांस करवा रहे हैं। वजह बताई जाए ना, कौन सा माशी मसला है पाकिस्तान में? कोई माशी जंग नहीं है पाकिस्तान में, बेफिक्र होकर बैठे। मैं पाकिस्तान में मुईशियत को किसी सूरत पहले नंबर पे नहीं लाता। पाकिस्तान में पहले नंबर पे जंग है। चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे, ये वो मुल्क है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। कहने को तो भारत और अमेरिका दोनों इत्तेहादी हैं और उनके इत्तेहाद की सबसे बड़ी वजह ऑफ कोर्स कि चीन को कैसे काउंटर करना है। बड़ी तारीफ करी जो बाइडेन ने कि मोदी जी हैं वहां पर, व्हाइट हाउस भी कह रहा है कि वी सी इंडिया एज अ लीडर इन क्वाड, और जो क्वाड है, क्वाड आप जानते हैं ना, ग्रुपिंग है चार देशों की। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यूएस में मोदी जी हैं अभी, तो जो बाइडेन को जो है वो मोदी जी को इंट्रोड्यूस करना था गेस्ट के तौर पर, जो अपनी बातों को रखते। लेकिन दोस्तों जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो बाइडेन जो है वो भी स्वस्थ नहीं चल रहे हैं, उनको एक तरह से भूलने की बीमारी है। तो बात करते करते ये भूल गए कि शायद उनको मोदी जी को इन्वाइट करना है, और वो बोल उठे हु इज़ नेक्स्ट। लेकिन दोस्तों मोदी जी ने अपनी कह सकते हैं आपकी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और वहाँ पर खुद खड़े होकर बोले कि मजाक के तौर पर लिया उसको और जनता को संबोधित करने लगे। तो इस तरह से दोस्तों देख रहे हैं आपकी एक बड़ी बेइज्जती जो है वो शायद यूएस प्रेसिडेंट की हो जाती, लेकिन मोदी जी ने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से जाकर के इसको बचाया। और इससे जो है अमेरिकन लोग भी इस पर काफ़ी अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं। तो इस न्यूज़ पर पाकिस्तानी मीडिया, उनके चैनल से उनके लोगों का क्या कहना है, उनकी पब्लिक का क्या रिएक्शन है ये देखते हैं, और उनका उनके एंकर्स इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। आखिरी दम तक लड़ेंगे। ऊपर अगर दज्जाल की ये कुव्वतें इस कुव्वतों के साथ मौजूद हैं, तो ज़मीन पे अल्लाह की फोर्सेस जो हैं वो अल्लाह की ताकत के साथ, ईमान के जज्बे के साथ अपनी लाशें लेके खड़े हुए दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। मसला तो ये है कि आपको मैं आज बताता चलूं, अगर पाकिस्तानी इस अल्लाह के घर की आज़ादी की जंग के अंदर आवाज़ उठा देते, खुदा की कसम खुदा को इन पर बरकतें नाजिल करनी पड़ जाती। खुदा ने आपकी ज़ुबानों पर अपने घर की आवाज़ इसलिए नहीं रखी कि आप पे बरकतें तमाम हैं पाकिस्तानियों पे, खास तौर पे, क्यों ना हो। वजह बताई जाए ना, कौन सा माशी मसला है पाकिस्तान में? कोई माशी जंग नहीं है पाकिस्तान में, बेफिक्र होकर बैठे। मैं पाकिस्तान में मुईशियत को किसी सूरत पहले नंबर पे नहीं लाता। पाकिस्तान में पहले नंबर पे जंग है, जो के ख्वारजियत से है, जो तालिबान से है, तो जिसको बताते हुए मुझे 15 साल हो गए। आज से 15 साल पहले सेनेट की पहली इनॉग्रेशन तकरीर पे आप चले जाएं और वो सुने के मैंने अपना रोड मैप किया दिया था। अगर मैं इस 15 साल में एक इंच इधर या एक इंच इधर हुआ तो आप मेरा गिरेबान पकड़े, मैं तो खड़ा ही उसी के ऊपर हूँ। मेरा तो मकसद ये हुकूमत इख्तदार सियासत है ही नहीं, मैं तो उस जंग के लिए बनाया गया, उस जंग के लिए उतारा गया। हमारी फौज लड़ रही है, अभी तो शुरू ही नहीं हुई, अभी तो उसके आफ्टर शॉक चल रहे हैं, मतलब उसके अभी अर्ली स्टेज चल रही है। अभी तो वो होनी है यहाँ पर, और होनी क्यों है जब आप ब्लॉक बदलने की कोशिश करेंगे उस वक्त होगी। अच्छा, पाकिस्तान में एक्चुअल आलमी ताकतों का मुखफ्फ क्या है? एटम बम नहीं है, अच्छा मिसाइल नहीं है, फिर बलोचिस्तान नहीं है, बलोचिस्तान है ग्वादर मैगोल सिटी के ऊपर, बलोचिस्तान स्टक करता है, ठीक है। लेकिन असल मसला तो पाकिस्तान में लिथियम है, गिलगित बल्तिस्तान असल मकसद है। आपको मैं बताना चाहूं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो ओर है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 30,000 trillion मैट्रिक टन के जखायर मौजूद है आपके पास लिथियम के। पाकिस्तान के अंदर जो लिथियम की परसेंटेज है वो 6.35% है पर टन। 1% जो है 550 यूएस डॉलर का होता है। इसका मतलब कि आपके पास जो ओर मौजूद है जिसमें लिथियम मौजूद है, $3,500 पर टन का आपके पास खजाना मौजूद है, और उस खजाने की अब तक का एस्टिमेट 30,000 trillion टन है।
सोच सकती हैं कि आपके पास कितना बड़ा खजाना है, उसके बावजूद आप भीख मांगो, आप लोगों के आगे कशकोल लेके जाओ, आपको कोई भीख नहीं देगा। आपको इसलिए इस यहां पे तबाह किया गया है कि कोई आपको खड़ा करने के लायक नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ये ना देखे कि फला के चाइना से अच्छे ताल्लुक आते हैं, फला के ईरान से अच्छे ताल्लुक आते हैं, फला के अमरीका से अच्छे ताल्लुक आते हैं। यार मतलब क्या है, भीख नहीं चाहिए, भीख एक रुपया नहीं चाहिए भीख। जिसके पास 30,000 ट्रिलियन मैट्रिक टन लिथियम के जखायर मौजूद हों, जिसके पास 1,27,000 टन मैट्रिक टन सॉप स्टोन के जखायर मौजूद हो, पाड़ा चनार, ये जितना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ये सॉप स्टोन के बगैर नहीं बना करता, इसमें करंट आ जाएगा वरना। दुनिया में जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनानी है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनानी है, अप्लाइंसेस बनाने हैं, उसके लिए सॉप स्टोन जरूरी है। सॉप स्टोन की कुल मालियत कितनी है पाकिस्तान में, और जो है पहाड़ का पत्थर 350 रुपए किलो पे आए कल पूरी दुनिया खड़ी है। हम सिर्फ ये समझाते थे और का सौदा नहीं करो, इनको लीज पे नहीं दो, इनको लाओ यहां पे प्रोजेक्ट लगाओ, और जो चीज 350 रुपए किलो की है जब वो सेक्रेट होगी, यानी कि सब हम इस पे करेंगे शो। जी जी, 1,27,000 ट्रिलियन मैट्रिक टन सॉप स्टोन आपके पास है, और उसकी परसेंटेज पता है आपको क्या है? मिनिमम परसेंटेज 82% है, मैक्सिमम परसेंटेज जो पाड़ा चनार से आई है वो 97.35% है। माय गॉड, ओके। और दुनिया इसकी खरीदार है। अब खरीदारी क्या है? लिथियम चाहिए अमेरिका को हथियारों के लिए, लिथियम चाहिए यूरोप को हथियारों के लिए, लिथियम चाहिए इन तमाम फॉरेस्ट कंट्रीज को, जिसमें वियतनाम, कोरिया, हांगकांग, ये जितनी कंट्रीज है, चाइना, जापान, इनको चाहिए प्रोडक्शन के लिए। देखिए हर एक आदमी की अलग अलग सोच मौजूद है, हर एक का अपनी रिसोर्सेज को। यार आप बलूचिस्तान में तो 10% भी नहीं है ग्रेनाइट और क्रोमाइट, ठीक है वो इनके अप्लायंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, बट 10% सोना मौजूद है, वो अरबियों की उस पर नजर है, वो अरब ले जाने के चक्कर में ग्रेनाइट क्रोमाइट के ऊपर चाइनीज लगे हुए हैं। बट पाड़ा चनार, केपीके को अलग करने का मकसद ही दुनिया की नजर में यह है कि पाड़ा चनार, सॉरी गिलगित बल्तिस्तान को इंजेक्ट कर दो, जहां दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मौजूद, सबसे बड़ा खजाना लिथियम का इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, जिसकी परसेंटेज 6.35% है। यार खुदा का नाम लें, 4 साल की जदीद दुनिया रह गई है, उसके बाद ये पहाड़ ऐसे ही रह जाएंगे जैसे लाखों सालों से मौजूद हैं, उसके बाद राई के दानों की तरह उड़ते हुए ही नजर आएंगे ये। तो आप इन झगड़ों में पड़ने के बजाय, अपनी फौजों को कमजोर करने के बजाय, उनके साथ कंसोर्शियम बनाएं। पूरी दुनिया आना चाहती है, आपके पास वो खजाना मौजूद है, अपनी जुबान से चाटते हुए यहां तक लोग पहुंचेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई भी हो। ये आप खबर देखें, ये जो आपको मौलाना हजरात नजर आ रहे हैं, चाइना के मुसलमान है और इन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और रीजन ये बताई जा रही है कि ये बच्चों को मजहबी तालीम देते हैं, मजहबी टीचिंग करते हैं, इस वजह से इन्हें सजा के तौर पे डांस करवाया जा रहा है। देखें जी, आप इस आप चाहे पढ़ सकते हैं इसे, आप चेक कर सकते हैं। जहरी बात है, ये तो खबर बिल्कुल ठीक ही है। अगर आप रिसर्च करें तो रिसर्च के मुताबिक इस्लाम वो वहद एक दीन है जो दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, मतलब लोगों में शऊर आ रहा है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मुसलमान है वो सही रास्ते पे। अच्छा, तो जहरी बात है, अब दुनिया में इसके खिलाफ प्रोपेगंडा तो होना ही है, यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, उन्होंने कोई ना कोई तो साजिश करनी है। अच्छा, अब बात ये है कि चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे, ये वो मुल्क है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है, ठीक है? मतलब एक बांदर होता है ना, जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, ठीक है? अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले, ठीक है? लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए हैं, ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। ये आपने नाम भी सुना होगा, हांगकांग के ऊपर भी इसने काम ऐसा करने की कोशिश की, कोरिया के ऊपर भी इसने, श्रीलंका के ऊपर भी ऐसा ही इन्होंने कोशिश की, श्रीलंका के ऊपर भी कोशिश की। अब बारी है पाकिस्तान की, ये जो आपकी ऑरेंज ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, सारी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। अब हम इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते, अगर हम बोलेंगे तो वो कहेंगे ठीक है हम अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाते हैं, तो फिर हम अब मजबूर हैं। तो जहरी बात है, कुछ ना कुछ तो ये करेंगे, हमारी हुकूमत तो बोलने वाली है नहीं। नहीं तो सर ये मुनाफ़त नहीं है, मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया से कोई खबर हमें तस्दीक होती है, नहीं होती, हम बस चला देते हैं, लो जी जुल्म हो गया, लो जी मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, हम दिन रात, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, कोई मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान मेनस्ट्रीम मीडिया पे कोई एक दिन ऐसा गुजरा हो जिस दिन किसी भी मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल ने इंडिया के खिलाफ खबर ना चलाई हो। दोस्तों पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग,
ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।